नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चली कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ ही। जम्मू कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग को एक बार फिर से देखा गया है। कल आपने देखा कि किस तरह से एक बड़ा घमासान जरूर मचा, क्योंकि शेख सजाद गुल के इशारे पर यह बड़ा हमला किया गया है। एक बार फिर से टारगेट किलिंग से लोग अब यहां पर दहशत में तो आई गए हैं, लेकिन उस बीच में लोगों के अंदर रोष भी है। और जाहिर तौर पर देखें एनआईए की जो जांच है वो किस तरह से जारी कर दी गई है। एनआईए ने बड़े खुलासे किए हैं, हाई अलर्ट पर सुरक्षा बलों को रखा गया है कि लोगों को बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सुरक्षा बल डटे हुए हैं और एक एक करके आतंकियों का खात्मा करने के लिए काम किया जा रहा है। बताते चले कि टीआरएफ ने यहां पर हमले की जिम्मेदारी ली है और गांदरबल में सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। और उसके साथ ही पाकिस्तान में बैठे हुए दुश्मन किस तरह से बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात कि देश में बैठे हुए गद्दार उनका यहां पर साथ दे रहे हैं। एक साल में 12 कत्ल हो रहे हैं, इस तरह से जानकारों की तरफ से कहा गया है। और जन्नत के अंदर सुकून कब होगा, ये एक बड़ा सवाल रख दिया गया है। एक महीना पहले से ही यहां पर रेकी की जा रही थी, इस तरह से जानकार बता रहे हैं। और टीआरएफ का जेके को लेकर एक बड़ा मकसद अब यहां पर काम कर रहा है। 2020 के बाद टीआरएफ टारगेट किलिंग की ज्यादातर घटनाओं में यहां आप देखिए कश्मीरी पंडित, प्रवासी कामगार और सरकारी अफसर रहे हैं नेता। और सिक्योरिटी फोर्सेस को लगातार टीआरएफ की तरफ से निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी। 370 हटने के बाद सरकारी योजनाएं, यहां कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की योजनाओं पर पानी फेरना और अस्थिरता फैलाने के मकसद से ही लगातार आतंकी संगठन जो है वो काम कर रहे हैं। सरकार या पुलिस के काम करने वाले उन स्थानीय मुसलमानों को भी निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है जिन्हें भारत का करीबी माना जाता है। तो फिलहाल देखिए जिस तरह से टीआरएफ की तरफ से ये जिम्मेदारी ली गई है, लेकिन एनआईए पूरी तरह से चप्पे चप्पे को खंगालने की कोशिश में थी। उन्होंने पूरी जांच यहां पर की है, हाई अलर्ट पर सुरक्षा बलों को रखा गया है। लेकिन उसके साथ साथ अगर जम्मू कश्मीर के हालातों को लेकर बात की जाए तो पूरी तरह से हालात जो है वो साजगार हैं, लेकिन आतंकी पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। जिस तरह से 2024 के विधानसभा चुनाव हुए हैं उसी को मद्देनजर रखते हुए ये बौखलाहट देखी गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में यहां आप देखिए आतंकवादी घटनाओं की अगर बात करें तो 2024 में 45 वारदातें होती है, 18 लोगों की मौत होती है, 23 की शहादत होती है और 51 आतंकी ढेर होते हैं। लेकिन उसके साथ जब हम 2023 का आंकड़ा देखते हैं तो 72 वारदातें होती हैं, मौत यहां पर 12 लोगों की होती है और आप देखिए शहादत 33 जवानों की बताई गई। और आतंकी जो ढेर हुए वो सबसे बड़ा आंकड़ा रहा, 87 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। उसके बाद 2022 में 193 आतंकियों को ढेर किया गया जिसमें 151 वारदातें बताई गई। और उसके साथ साथ 2021 में 193 आतंकी ढेर, 153 वारदातें हुई। 2020 में 140 वारदात और 232 आतंकवादियों को ढेर किया गया। लेकिन उसके साथ साथ देखिए जिस तरह से आतंकियों की बौखलाहट देखने को मिल रही है वो जमीन पर इस तरह से दिख रही है कि टारगेट किलिंग को एक बार फिर से जन्म देने की कोशिश हो रही है। सुरक्षा बल पूरी तरह से डटे हुए हैं। बढ़ जाते हैं पैनल की ओर। अभिजीत सिंह जसरोटिया है हमारे साथ, बीजेपी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और सुखेंदर सिंह है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से है, आपका भी स्वागत। सतीश मंगोत्रा जी हैं, एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और रिटायर्ड कर्नल भी हैं। मंगोत्रा जी, सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से अब बड़ी बातें देखने को मिली कि टीआरएफ ग्रुप जो है वो काम कर रहा है, जिसका सरगना पाकिस्तान के अंदर बैठा है, और नाम जुड़ गया कि शेख सजाद गुल के इशारे पर ये पूरा हमला किया गया, रेकी पहले की गई, हथियार पहुंचाए गए कश्मीर के अंदर, उसके बाद इस तरह से बड़ी घटना को अंजाम देना। और उससे भी बड़ा सवाल यहां पर ये कि जब निर्माणाधीन यहां पर काम जो है वो चल रहा है, टनल है, और उसके मजदूरों को इस तरह से निशाना बनाना, यानी कि लोगों के अंदर खौफ पैदा करना कि कश्मीर में वो बाहर से आकर काम कर रहे हैं शेख सजाद गुल के इशारे पर। आशा जी, ये तो बहुत ये दुखद घटना है जिसके लिए हम बहुत दुख देते हैं, पेश करते हैं इनको, फैमिली जिसको जिनको ये नुकसान हुआ है। ये बहुत ही बहुत मैं कहूंगा दुखदायी घटना है, जहां पर कि जम्मू एंड कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए काम किया जा रहा है, लोग बाहर से आके काम कर रहे हैं वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, और उनको ही जो है वो टारगेट किलिंग जो है वो की जाती है। पहली बात तो आपने अपने सवालों का खुद जवाब भी दिया है, वो आशा जी यही है कि जो हमारे अंदर गद्दार बैठे हुए हैं,
जो हमारे अंदर जो लोग हैं, जो उनका सबसे बड़ा जो योगदान है वो इसके अंदर है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, गांधरबल का इलाका जो है, आप अगर जानते हैं, आप गए, मैं काफी वहां सर्च किया है, सोनामर्ग में खुद रहा हूँ कोई 1.5-2 साल। तो वो इलाका एक सेक्लूडेड प्लेस है, बड़ी अच्छी जगह है जहाँ इनके ऑपरेशन के लिए। और ये लोग डेफिनेटली, आफ्टर बात तो यही आती है कि अगर ये 4 लोग या 5 लोग या 2 लोग जो भी आए, वो कहाँ से आए, हथियार कहाँ से, लेकिन जिनसे घूम रहे थे उस इलाके में, क्यों किसी ने देखा नहीं, या क्यों किसी ने कुछ उसके ऊपर एक्शन नहीं या बताया नहीं। अब ये उन्होंने टारगेट किलिंग के लिए जगह सेलेक्ट करी, प्लेस को देखा, फिर चुना कि अच्छा इनको हम मारेंगे या इनको ये करेंगे। तो ये कोई एक दिन का काम तो है नहीं। तो ये तो पूरा डेफिनेटली इसको देखा गया है कि कौन कहाँ पर है, कितने बजे आता है, कितने बजे निकलता है, वो सारा टाइमिंग जो है वो देखे गए हैं। कितने बजे ये लोग कैंप पे वापस आते हैं, कितने बजे क्या होता है, और उसको देख कर फिर ये। पर ये चीज जो है वो हमारे 2-3 चीजों पे उसके सवाल उठता है कि एक तो वहां पर जो लोकल पुलिस इंटेलिजेंस काम कर रही है उस इलाके में गांधरबल की, और दूसरा जो है वो जो आवाम के लोग वहां पर हैं उनको भी तो बाहर निकल के आना चाहिए कि अगर ऐसी कोई हरकत हो रही है तो वो इमीडिएटली जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को बतानी चाहिए, या जो भी उनके पास आज पर पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी ठीक है, फोर्सेस हैं, ये चीज जो है वो उनके पास निकल के आनी चाहिए। मैं शुक्रिया। नहीं मानता कि ये जो लोकल वहां पर जो लोग हैं उनसे मिले बगैर जो ऐसी वारदात जो सुखेंद्र हो सकती जी, सवाल है, तो क्योंकि फिर वही उन्होंने का आकर टारगेट वही कर रुक दिया गया है कि है हम लोग कि जो लोकल है वो स्पोर्ट के टारगेट बिना तो किलिंग इस तरह से बड़ी घटना करेंगे। को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। और अगर स्पोर्ट नहीं है तो फिर लोकल्स घर से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं? किस तरह से वहां पर पहुंच गए आतंकी? सवाल खड़ा कर रहे हैं। सबसे पहले तमाम पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, जो हमारे नागरिक जो शहीद हुए, सबसे पहले मैं उनको श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ। जहां तक बात आपने कही कि लोकल की सपोर्ट की जो है वो किस तरीके से इतना बड़ा अटैक उन्होंने कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी चिंता वाली बात है कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन आगे ही कश्मीर में बहुत सारी उन्होंने टारगेट किलिंग की हुई है, और वो लगातार इन एरियाज को वो देख रहे हैं और इन एरिया में घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज ये जो ये घटना हुई है जो, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें इंटेलिजेंस फेलियर की बहुत बड़ी है ये, क्योंकि वो लोग आए, उन्होंने अटैक किया और वो सुरक्षित भी निकल गए। तो ये इस चीज से ये जरूर क्लियर होता है कि उन्होंने पहले ही इस चीज एरिया को देख लिया था का कि भाई हमने अगर अटैक करना तो निकलना किस तरफ से है, वो सेफली भी निकल गए। अभिजीत जी, देखिए, इसमें नो डाउट कि जिस तरह आज फारूक अब्दुल्ला जी ने ये कहा है कि इसमें पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश है, वो 1947 से लेकर आज तक जो जो लगा लेकिन है आप वो लोग तो कश्मीर को अपना वकालत हिस्सा करते बताने हैं, की हर कोशिश बार कर आपने वकालत की है कि बातचीत कीजिए। रहा इन हालातों में बातचीत होती है क्या? है। मैडम जी, मैं आपको एक चीज क्लियर करके बता दूं कि जयशंकर जी मुझे लगता है कल ही वापस आए हैं, शायद वो बातचीत करने के लिए ही गए थे शायद। तो देखिए, उनकी बातचीत खत्म हुई, वो एक अटैक हो गया। तो कहीं ना कहीं ये चीज आपको जरूर समझनी चाहिए। अभिजीत अगर जी, हमारे फॉरेन मिनिस्टर अगर नहीं जा वो तो सकते सबने देख हैं, लिया हमारे सुखविंदर जी प्राइम कि मिनिस्टर हमारे बहुत ही पाकिस्तान अच्छे जा सकते से हैं, तो आप बातचीत उसको वहां इन पर चीजों हुई के है। साथ अगर कंपेयर करके अभिजीत जी, देखेंगे सीधा सीधा सवाल ये उठता है कि ओम तो आपके तो पास है क्योंकि यूटी है जम्मू कश्मीर अभी भी, देखिए, और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के सबसे प्रवक्ता पहले कह रहे तो हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर है। देखिए सबसे पहले तो भावभीनी श्रद्धांजलि उन लोगों को जिन्होंने अपने प्राण गंवाए हैं। और खैर, सिर्फ श्रद्धांजलि बोलने से उनके घर परिवार के और उनके लोगों के आंसू तो नहीं पहुंच सकते हम लोग, लेकिन ये जरूर अश्योरेंस देते हैं कि पूरा हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक को उतना ही दुख हो रहा है जितना उनके सगे संबंधियों को हो रहा होगा। इन बातों के साथ मैं अगर आगे बढ़ूं तो मुझे लगता है कि ऐसी पार्टी के जब प्रवक्ता इस तरह की बातें करते हैं तो कम से कम इनसे ये तो पूछना चाहिए, वही पार्टी है जो बोलती है कि इस तरह के लोग जब पकड़े जाते हैं षड्यंत्र करते हुए तो जब उनको अंदर ठोक दिया जाता तो कहते हैं उनको हम छुड़वा लेंगे, जो बोलते हैं पीएस से नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इनकी बातों के ऊपर अगर आप चलें तो फिर इस हिसाब से तो मुझे लगता है कि ऐसा कत्लोगारत का सिलसिला कभी भी नहीं रुकेगा। और अभी तो मुझे लगता है कि कम से कम हमारी बात तो कोई सुने ना सुने, लेकिन फारूक साहब की और इनकी पार्टी की बात तो जरूर सुननी चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान के तो फॉरेन मिनिस्टर बोल रहे थे कि भाई यहाँ पर इंडिया अलायंस का सरकार बनाओ, यहाँ पर इनकी सरकार बनाओ, बन गई है तो कम से कम एक अपील करके देखते हैं जी, शायद आपके कहने से कुछ ना कुछ वो पाकिस्तान, खैर पाकिस्तान बोल सा ना पाकिस्तान जिसे मैं कहता हूँ वो भिखमंगा देश, शायद वो अपनी इन हरकतों से बाज आ जाए। तो मुझे लगता है इस तरह की बातें अगर आप इधर उधर ना करके अगर अपनी बातों को अगर आप वहां तक पहुंचाएं तो मुझे उनके
उनकी मर्जी की सरकार बनी है तो कम से कम आपकी बात तो सुननी चाहिए उन्हें। सुखविंदर जी, वो कह रहे हैं कि कंडेम करने से कुछ नहीं होगा, कार्रवाई करनी देखिए, पड़ेगी। मुझे 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 एक चीज की हैरानगी है कि अभिजीत जी, बीजेपी प्रवक्ता ने अभी तक उमर अब्दुल्ला जी का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा। इनकी कोशिश ही यही रहती है कि किस तरीके से हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को आगे ना आने दें, इनको काम ना करने दें। देखिए, एक तरफ फारूक अब्दुल्ला जी ने क्लियरली कहा कि कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है, पाकिस्तान जितनी मर्जी कोशिशें कर ले, हम ये चीजें कभी कामयाब नहीं होंगे। और एक तरफ ये लोग हैं अपनी जो नाकामियां छुपाने के लिए, इन्होंने वही चीजें, वही जो पिछली चीजें वापस रिपीट करके ये अपने आप को पहले ही क्लीन चिट देने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर समझें कि इनकी भी कमजोरियां रही हैं इन 10 सालों में, बहुत सारी हमारी टार्गेट्स किलिंग इन 10 सालों में जी जवाब दीजिए। वो भी कह रहे हैं कि ज्यादा अगर हो इस गई। तरह से तो हालात ये खराब हो रहे चीजें हैं तो इन फिर आपकी अभिजीत उम्र को का मुझे लगता है कि एक बार इस्तीफा क्यों फिर नहीं से मांगा हिस्ट्री को आपने? पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो टेन्योर, इनका पुराना टेन्योर रहा है, उसमें कितनी किलिंग और कितना यहाँ पर कौन सी पत्थरबाजी के इंसिडेंट्स होते थे, तो कितने परसेंट टेररिज्म इंसिडेंट्स होते थे, वो अच्छी तरह से आंकड़े इनको पता होगा। और दूसरे अभिजीत तो जी, ये पता अभिजीत होगा जी, इनको एक कि 70 चीज आप परसेंट क्लियर डिक्लाइन कर हुआ और अब लीजिए, पत्थरबाजी कहीं कश्मीर होती में थी। पत्थरबाजी ऐसा आप बीच एक में तरफ बोलेंगे है, ना, यूपी, जैसे आप बिहार, बीच में बोलेंगे तो झारखंड, फिर इस तरह से बात नहीं उत्तराखंड में होगी। जो अगर आप पत्थरबाजी बीच हुई में है बोलेंगे आपको तो उसको बात भी इस तरह सामने से लेना नहीं होगी। पड़ेगा। अगर आप बीच में बोलेंगे तो बात इस तरह से नहीं होगी। कम से कम इतना कर लीजिए, आप एक काम कीजिए ना, आप बोलेंगे तो मल्होत्रा आज जी, कहिए ठीक जरा उस बिकमंगे है देश को अभिजीत जी, बोलिए, हो उस गया। नाबाद देश को बोलिए कि मल्होत्रा हमारे यहाँ जी, पर जो कुछ चल रहा है टीआरएफ इसके लिए हम हमेशा से आपके ही, खिलाफ यहाँ पर जब कार्रवाई शुरू से करेंगे। आज अस्तित्व सारे के में सारे आया है, अपने जब से कैडर ये को बोलिए संगठन निकल जाए, बना और है, पाकिस्तान के झंडे चलाते और सबके लश्कर यहाँ ए पर तैयबा खड़े हो की जाए, बात, एक मेंबर टीआरएफ, पर खड़े हो जाएंगे अगेंस्ट। अभिजीत जी एक सेकंड सुन लीजिए, मल्होत्रा जी, ज्यादातर गैर कश्मीरियों जी को निशाना बनाने की कोशिश हुई, सरकारी अफसरों को निशाना बनाने की कोशिश हुई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तार पीओजेके के साथ जुड़ गए हैं? क्योंकि पीओजेके का एक बड़ा मुद्दा दिल्ली सरकार ने भी उठाया था और पार्लियामेंट के अंदर ये बड़ा सवाल उठा भी था कि पीओजेके को लेकर काम किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से आतंकी का जो यहां सरगना है, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि हमला ये किया गया शेख सजाद गुल, वो पीओजेके से ही अपने पूरे आतंकी संगठन को चला रहा है, और इस तरह से कश्मीर देखिए के अंदर आशा जी, ऐसा पहुंचने, है कि लोग हथियारों के साथ आशा पहुंचने और एक महीना पहले से रेकी करना, कई तरह के सवाल उठते हैं। आशा जी, मैं आप इसी बात पर, जैसे अभी सुंदर जी ने बोला कि पाकिस्तान से बात करिए या उसके हालात जो पाकिस्तान करवा रहा है, मैं कहूंगा कि सियासी चीजों को एक साइड में करिए। आप जो सियासी हालात हैं वो बातचीत करना, क्या आवाज नहीं आ रही करना, जब होगी। हमने बहुत हाँ बोलिए कोशिश बोलिए। की कि नहीं के लिए मगोत्रा जी, आवाज नहीं आ रही है। अभिजीत जी, देखिए, पीओजेके को लेकर मैं यही मैं चीज, बात कर रही हूं, क्योंकि ये सारा काम पीओजेके से चल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ तो पीओजेके से चल रहा है, वही पाकिस्तान से चल रहा है, उसी भिखमंगे देश, उसी नापाक देश से चल रहा है, हम भी अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय के अंदर कम से कम उन पॉलिटिकल पार्टीज को, जो पीएसए की बातें करते थे, जो कहते थे कि जो इस तरह के षड्यंत्र में लोग मुलव्वज हैं, जिनको कानून ने अंदर ठोकर रखा, हम उन्हें छुड़वा लेंगे, ये कम से कम उन पार्टीज को सोचना पड़ेगा कि आपने किस तरह का स्टैंड यहाँ पर रखा था। और मुझे लगता है कि यही चीजें देखते देखते 1.5 लाख से ज्यादा लोग आज कब्रों में दफन है। अगर आपके लिए, उनके लिए मन में अगर है कोई बात, तो आज इसी देश के खिलाफ आज आपको खड़े हो जाना चाहिए और इस देश को वही भाषा बतानी चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी ने इनको जवाब दिया है, चाहे वो उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक था, चाहे वो बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक था, जिसे आप लोग कहते थे कि कहीं पर चंद दरख्त गिरे और कहते थे कहीं पर कहीं कुछ नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि इन सब चीजों के अंदर आज इनके खड़े होकर कम से कम उस देश के खिलाफ बात करने की जरूरत है। और सुखेंदर बहुत जी, बड़े वो कदावर नेता कह है रहे हैं कि आप लोगों को फारूक खड़े साहब, होने अगर की फारूक जरूरत है साहब और उस ओपनली देश के बताएंगे खिलाफ कि ये बोलने सब की कुछ, जरूरत है। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भी आज आपने बयान नहीं सुना है अभिजीत जी, आज तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला काफी बोलते नजर भी आए हैं। मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ कि उनको कम से कम चाहिए कि वो पूरे के पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये चीज बोलेंगे, यही नापाक मुल्क है जो हमारे यहाँ पर पूरे का पूरा षड्यंत्र करता है, और इस जैसे मुल्क के साथ बात करने से कोई काम नहीं बनेगा। इनको वही सबक मल्होत्रा जी सिखाना जो जवाब उड़ी और दीजिएगा उस बालाकोट में सवाल का, सिखाया गया। क्योंकि इरकन प्रोजेक्ट के बाद अब ये एप्को कंपनी पर जो मजदूर उसके अंदर काम कर रहे थे उन पर हमला किया गया है, और उमर अब्दुल्ला को भी आपने आज शायद सुना होगा, उन्होंने कहा कि इससे पहले जब कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी कश्मीर के अंदर काम कर रही थी, इरकॉन के बाद ये पहला ऐसा मौका है कि यहां पर दोबारा से अटैक हुआ है।
बगोत्रा जी। क्या हो रहा भाई? हाँ बोलिए बोलिए बगोत्रा जी। सुखविंदर जी आवाज आ रही है मगोत्रा जी? सुखविंदर जी जवाब दीजिएगा, हाँ जी जवाब दीजिए। आप सुखविंदर जी बोलिए। मैम आप सवाल कीजिए, मुझे आवाज फोन कट गया था। सवाल यह है कि जिस तरह से पीओजेके को लेकर ही बात उठ रही है, लेकिन उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि इससे पहले कश्मीर के अंदर जो कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम हुआ था वो इरकॉन कंपनी थी, लेकिन अब एप्को के अंदर जो मजदूर काम कर रहे हैं उन पर भी हमला हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने सवाल एक दाग दिया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार आपकी भी है। मैडम जी देखिए, एक चीज आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बड़ी क्लियर शब्दों में कहा कि ये वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के हालात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पे नहीं देखना चाहते, जो जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ कदम मिलाकर चलने की नहीं देखना चाहते। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है आज कि इस वक्त जो हालात जम्मू कश्मीर में बनाने की कोशिश की जा रही है जो पाकिस्तान की ओर से, तो जैसे आपने कहा पीओके जो को लेकर अगर बात की जाए, तो उन्होंने जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा भाई हमारे देश के गृह मंत्री हैं वो सोचेंगे, डिफेंस मिनिस्टर हैं वो सोचेंगे इस चीज पे। जहां तक इस वक्त जो हालात हैं जम्मू मतलब कश्मीर जब के, कोई अगर घटना होगी तो आप समझे गेंद दूसरे के पाले में डाल देंगे। अभिजीत जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि गृह मंत्री इसके बारे में सोचेंगे, लेकिन गृह देखिए मंत्री मैं ने तो कहता अपनी हूँ कि स्टेटमेंट दी गृह है, उन्होंने कहा कि बख्शा नहीं जाएगा। जवाब दीजिए अभिजीत जी। देखिए गृह मंत्री ही है जिनके कारण अगर आप देखें तो यहाँ पर कम से कम जो पहले से 70% इंसिडेंस कम हुए टेररिज्म के, और सबसे बड़ी बात है पत्थरबाजी और पत्थर युग खत्म हो गया है। लेकिन एक बात तो फिर आज करना पड़ेगी, गृह मंत्री का और भारतीय जनता पार्टी का और केंद्र का अपना एक दायित्व बनता है क्या? चलिए अभिजीत जी बात पूरी कीजिए जल्दी से। मुझे सिर्फ एक मिनट दीजिएगा अपनी बात कंप्लीट करने के लिए। अगर आपकी भी मंशा यही है कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक रहे और हमारी भी मंशा यही है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमारे को सबको फिर एक ही प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और कल सुबह ही उमर साहब को और फारूक साहब को ये अनाउंसमेंट करनी चाहिए कि पीएसए लगाना भी बिल्कुल ठीक है, और इस तरह का कोई भी इंसान मुलव्वज होता है किसी चीजों में उसको पकड़ के अंदर ठोकना भी बड़ा जरूरी है, ना कि जो हमने पहले बात कही है वो हमारी सही थी। ठीक है सुखविंदर जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि एक पटल पर आने की जरूरत है और जल्द से जल्द अपनी काम को करने की जरूरत है, देखिए एक्शन नेशनल लेने की कॉन्फ्रेंस का जरूरत सीधा सा एक स्टैंड है, जम्मू कश्मीर के हालात कोई भी खराब कर रहा है अगर अगर वो मुलजिम पाया जाता है किसी में, तो उसको जो देश का कानून कह रहा है वो कीजिए। मैं एक बात जरूर और कह दूं, अगर आप बातें करें, अगर जयशंकर जी पाकिस्तान में चल के बातचीत करके आ गए तो दूसरे तीसरे दिन हमारे हिंदुस्तान में अगर अटैक हो जाता तो कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसीज के ऊपर भी बात उठती है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की। अगर एक चीज तो बीजेपी वाला क्लियर नहीं करते, क्या इसके पीछे क्या इंटेलिजेंस फेलियर है या नहीं है, ये चीज उनको क्लियर करनी चाहिए थी। ये एनसी एनसी ने क्या किया, फारूक साहब ने क्या बोला, उमर साहब ने क्या बोला, इन चीजों से हालात देश के हालात नहीं सुधरने वाले। आपको काम करना पड़ेगा, सिक्योरिटी फोर्सेज को काम करना पड़ेगा, जो इंटेलिजेंस फेलियर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ये शहरी नागरिक अगर हमारे शहीद हुए हैं तो कहीं ना कहीं किसी की गलती की वजह से हुए हैं। मगोत्रा जी बताएंगे इस पर कि अब क्या ये इंटेलिजेंस का फेलियर था या नहीं, लेकिन अभिजीत जी पहले जवाब दीजिएगा देखिए सबसे पहली बात तो ये आती है कि केंद्र सरकार तो बोलता है कि इनको उड़ी में घुस के मारना है, बालाकोट में घुस के मारना है, इन पे पीएसए लगाना भी जरूरी है, और आप बोलते हैं आपसे पीएसए रिवील करवा देंगे, आप बोलते हैं जी जो भी अंदर डाले हुए उनको छोड़ दीजिए। जब आप भी बताएंगे कि आप कहीं पर और हम कहीं पर और हैं, तो क्या सबक सिखाएंगे आप पाकिस्तान में? मुझे लगता है कि कम से कम पहले आप अपने मैनिफेस्टो में कहा था, आपने अपने मैनिफेस्टो में सारी बातें कही थी कि पीएसए छोड़ दे और ये सब जो अंदर है इनको छोड़ दीजिए, तो आपने कहा था चुनावी चुनावी भरोसा नहीं है, इस देश का कानून बेगुनाह को अंदर कर देता है। जब आप इस तरह की बातें करते हैं तभी तो पाकिस्तान को मौका मिलता है। जब आप देश के कानून जो है, जब आप अपने घर के अंदर ही एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, तो फिर बाहर वाले के साथ क्या लड़ेंगे?
मेरे देश का कानून बेगुनाहों को अंदर ठोकता है। ठीक है अभिजीत जी, हो गया है कि देश का कानून बेगुनाहों को अंदर ठोक देता है, किस तरह की बात कर रहे हैं? जवाब दीजिए सुखविंदर जी, ये किस तरह के सवाल आप लोग उठा लेते हैं, समझ में नहीं आता है। स्ट्राइक होती है तो सबूत मांगे जाते हैं, घर के अंदर कार्रवाई होती है तो इस तरह से सवाल उठते हैं, जवाब दीजिए। अभिजीत जी, ये आपको मैं क्लियर जरूर करूंगा, एक दो महीने आप रुक जाइए, जिन लोगों की ट्रायल अभी पेंडिंग में है अभी ट्रायल होने दीजिए, आपको उस वक्त क्लियर हो जाएगा कौन से लोग बेगुनाह हैं और कौन दोषी लोग हैं। मल्होत्रा जी, भाई साहब आप जुडिशियरी हैं, मल्होत्रा जी आप जुडिशियरी हैं, अरे जो अटैक करके चले जाए उन्हें अगर जेल में डाला गया है तो फिर ट्रायल की तो बात ही नहीं बनती ना सुखविंदर जी। चले वो खैर बाहर की बात है, आपने मैनिफेस्टो में उसको भी रखा है। मल्होत्रा जी, इंटेलिजेंस फेलियर पर बार बार सवाल उठा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, आपके मैनिफेस्टो से चलेगा तो फिर बेगुनाह कौन से उसको बताओ ना। ठीक है सुखविंदर जी, हो गया अभिजीत जी, हो गया, प्लीज थोड़ा सा समय आप दे दीजिए डिफेंस एक्सपर्ट को। मगोत्रा जी, आशा जी वोटों के लिए कम से कम 20 तक मत गिरो। देखिए आशा जी बार बार, सुखविंदर जी एक सेकंड, हाँ मगोत्रा जी बोलिए। आशा जी बार बार एक सिक्योरिटी फोर्सेज को ब्लेम करना, देखिए सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो बॉर्डर पे लगी हुई है, ठीक है, हमारी ड्यूटी जो है वो बॉर्डर को सेव करना, और कुछ हमारी यूनिटें जो है वो इंटरनल ऑपरेशंस के लिए बुलाई जाती है, जैसे कई आर आर की यूनिटें डेंसिटी इंक्रीज करने के लिए, हम लोग बेसिकली बॉर्डर के लिए बेसिक्स हैं, बट अगर वो इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है या वो वहां से क्रॉस करके हमारे यहाँ से निकल आते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस फिल्टर की है, क्योंकि ये थर्ड फिल्टर में आ जाते हैं जो कि पुलिस का फिल्टर है। हमारे फिल्टर जो है वो बॉर्डर पे लगे हैं, उसके बाद सेकंड लाइन है और तीसरी लाइन जो है, जबकि ये आकर पब्लिक में मिक्सअप हो जाते हैं तब दिस पीपल हैज टू बी आइडेंटिफाइड बाय दी पुलिस। अगर पुलिस वहां पर है, आप सिक्योरिटी फोर्सेज को ब्लेम करना बड़ा आसान है, सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पर भी बैठी हैं, पर हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसके ऊपर ऑपरेशन करके हम उसको झाराशाही करते हैं, खत्म करते हैं बात को। पर चीज ये है कि जो इंटेलिजेंस फेलियर है वो मैं आपको पहले भी इसी मंच पर बोल चुका हूँ, इवन गवर्नर साहब ये कहते थे कि अगर एसएचओ को ये मालूम नहीं है कि किस घर में क्या बन रहा है, किस घर में आज खिचड़ी बन रही है, किस घर में क्या बन रहा है, तो मैं कहूंगा कि वो फेलियर है, बिल्कुल उसको मालूम ही नहीं उसके इलाके में क्या हो रहा है। तो अगर ये लोग यहाँ पर आके बैठे हैं तो ये किसी के घर में बैठे हैं, किसी ने इन्होंने रिकॉग्निशंस की है, किसके साथ बातचीत की है, कौन है वो लोग, व्हाई डोंट दे ब्लडी पीपल कम आउट फ्रॉम दैट, उनको बाहर क्यों लाया जाता है? कि आम जनता का तालमेल पुलिस के साथ नहीं हो पा रहा है, कमी कहां रह गई है? क्योंकि राजौरी और पुंछ में के अंदर जब यहां पर एपिक सेंटर बनाया जा रहा था मगोत्रा जी, वहां पर भी इसी तरह के सवाल उठ रहे थे, इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी फोर्सेस काम नहीं कर रही है। देखिए जो इंटेलिजेंस है, इट इज नॉट वन इंटेलिजेंस, देयर आर नंबर ऑफ इंटेलिजेंस पीपल दोज हु आर रोविंग अराउंड, रॉ के लोग हैं, आईबी के लोग हैं, बीएसएफ के लोग, इंटेलिजेंस के लोग हैं, हमारे लोग आर्मी के हैं, पुलिस के लोग हैं, तो तमाम चीजें अगर कोऑर्डिनेशन इनकी नहीं होती तो मैं कहूंगा कि डेफिनेटली देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर, कि कई जगह पर लूप होल्स हैं। यस, अवाम का डेफिनेटली रोल है, मैं नहीं कहूंगा कि अवाम का रोल नहीं आता इसमें, बट अवाम हम उनको क्रेडिट वो भी देते हैं कि भाई डेफिनेटली जिसके पीछे अगर गन रखी गई है तो वो क्या करेगा, बट हम लोग को अगर हम लोग पूरा हिंदुस्तान के लोग वहां पर आकर शहादत दे सकते हैं तो लोकल को भी वहां पर अवाम को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उनको भी एक तो शहादत देनी पड़ेगी, ठीक है तुम हमें मार दो कोई बात नहीं, मैं अभी जाके उधर सिक्योरिटी फोर्सेज कैंप में बता रहा हूँ कि तुम यहाँ चुपे हुए हो। Now this sort of thing when it will not happen, ऐसा होता रहेगा। सुखविंदर जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि आम जनता का सहयोग बहुत जरूरी रहेगा, जब तक वो नहीं होगा सब चीजों को खत्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लोकल सपोर्ट के बिना ये नहीं हो सकता। बिल्कुल एग्री हूँ मैं करुण साहब की बात से, बिल्कुल एग्री करता हूँ कि देखिए उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त मिसाल दी, अगर एसएचओ को ये नहीं पता कि कौन से घर में क्या बन रहा है तो कहीं ना कहीं ये कमजोरियां हैं। यही चीज मैं कहने की बात कर रहा था कि अगर कहीं ना कहीं किसी की कमजोरी की वजह से, किसी की वीकनेस की वजह से, ये फेलियर की वजह से इतना बड़ा अटैक हुआ है, अदरवाइज वो लोग बॉर्डर से आए, बॉर्डर से आके अटैक किया और अटैक करने के बाद वो सेफली चले भी गए, तो कहीं ना कहीं हमें भी समझना पड़ेगा किसी जगह पे हम कमजोर जरूर हैं, हमें उस कमजोरी को दूर करना है। तो उसकी कमजोरी को दूर कौन करेगा? आज की बात नहीं है, आप माई फ्रोजन टर्बुलेंस पढ़िए किताब, जो कि हमारे गवर्नर जवाब दीजिए जगमोहन जी ने। आपको नहीं लगता है कि एक पटल पर आने की जरूरत है? हर डिबेट में इस तरह से चर्चाएं होती हैं, लेकिन डिबेट के बाद एक्शन क्या होता है? हर एक पार्टी को एक पटल पर आने की जरूरत है, डिफेंस एक्सपर्ट्स को आने की जरूरत है, पुलिस सुरक्षा बलों को एक पटल पर आने की जरूरत है। अभिजीत जी जल्दी से कमेंट कीजिएगा।
बिल्कुल सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आयशा जी, और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिटिकल पार्टीज की बनती है। पॉलिटिकल पार्टीज कम से कम लोगों को ये ना बताएं कि आप कुछ करेंगे तो हम आपको बेकसूर का टैग लगा के बचवा लेंगे या आपको पीएसए से हटवा लेंगे। तो मुझे लगता है इस तरह की बातें अगर पॉलिटिकल पार्टीज ना करेंगे जी, तो वो जो आप फियर लोग ही जो पहला डर स्टेप बढ़ा लीजिए, होना चाहिए अगर जो इस तरह दूसरी से काम तरफ से करते स्टेप हैं। नहीं बढ़ाया जा रहा है तो आप ही अपनी तरफ से स्टेप बढ़ा लीजिए। सुखविंदर जी आप अपनी तरफ से स्टेप जो है वो बढ़ा लीजिए, आम जनता की जान का यहाँ पर आप देखिए खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, एक एक देश जिंदगी की बहुत एकता कीमती है। अखंडता, देखिए देश की एकता अखंडता को अगर कोई भी अगर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस उसके साथ नहीं है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने क्लियरली कहा है ये लोग जो हैं नाकाबले बर्दाश्त लोग हैं, कंडेम करने से कुछ नहीं होगा ना सुखविंदर जी। एक पटल पर आने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। सरकार बननी थी बन गई, ऑपोजिशन स्ट्रांग आ गई, डिफेंस एक्सपर्ट्स अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन एक्शन करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत जी जुड़ने के लिए, सुखविंदर जी आपका भी और मगोत्रा जी आपका भी। तो फिलहाल जिस तरह से देखिए एक बार फिर से टारगेट किलिंग कश्मीर के अंदर देखी गई है, एनआईए की तरफ से जांच तो की जा रही है, लेकिन सवाल यहां पर जानकार भी ये उठा रहे हैं कि लोकल सपोर्ट के बिना ये नहीं हो सकता, और अगर आम जनता सामने आती है तो इन सभी वारदातों पर रोक लगाई जा सकती है। ये सोचने और विचार करने की बात है। आप देखते रहिएगा।